तो दोस्तों मैं ना सुबह सुबह अपने मिनी जू में आया हूँ और मैंने देखा कि दोस्तों हमारा जो इधर दरख्त था ना प्यारा सा दोस्तों, वो अब टूट चुका है, वो अब नहीं रहा। और मुझे भी ये खबर सुनकर काफ़ी प्यारा दोस्तों दुख हुआ है कि ये दरख्त मैं छोटे होते देख रहा हूँ, जब मैं छोटा सा ना तब ये दरख्त था और अब जो मैं माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया और ये दरख्त जो है ना वो टूट गया है। तो अभी भी इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसने ना इधर कोई कमरा वगैरह बनाना था जिसकी वजह से कि इनको दरख्त तोड़ना पड़ चुका है। तो दोस्तों इसका हमें एक बेनिफिट तो ये था कि इधर छाँव रहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम कोई जुगाड़ वगैरह लगा लेंगे। और दूसरा दोस्तों जो हमें फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ कि दोस्तों जो हमारे पत्ते गंद वगैरह पड़ता था ना, तो दोस्तों अब पत्तों का गंद नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे लिए जो है वो बेस्ट काम हो गया है। तो जब से ये दरख्त का काम शुरू हुआ है हमारे बिंदे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं दोस्तों, ये डर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, सारा इधर से ना फारिग हो चुका है। तो ये हमने ना ग्रीन नेट उतार दिया इधर से, ताकि दोस्तों वो दरख्त काट रहे हैं तो कहीं ये फट ना जाए, इसलिए एहतियातन दोस्तों हमने ये उतार दिया। तो जैसे ही दोस्तों दरख्त का काम खत्म होगा, हम ये फिर से ना ग्रीन नेट लगा देंगे और हमारा सेटअप फिर से दोस्तों खूबसूरत सेटअप हो जाएगा। और अब दोस्तों ग्रीन नेट ज्यादा प्यारी लगेगी क्योंकि अब दरख्त पीछे नहीं रहा, तो अब ये बिल्कुल स्ट्रेट सादी सीधी लगेगी बिल्कुल। तो दोस्तों हम ना अब सारे के सारे पैड्स को अपने बंद करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अब हम ना ये सारा का सारा काम मुकम्मल करवा के उनके साथ ग्रीन नेट लगा के फिर इनको छोड़ेंगे। अगर इस तरह ये उधर भाग गए तो दोस्तों इनको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जल्दी से दोस्तों इसको बंद कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं करता हूँ कि आप सब कह रहे होंगे दोस्तों हमारा ना आज का सारा दिन ना इस तरपाल को लगाने में गुजर गया। ये देखे ग्रीन नेट अभी भी लगा रहे हैं, ये देखे इधर ग्रीन नेट लगेगी और ये दरख्त ने ना आज दोस्तों हमारा पूरा दिन जाया करवा दिया, पूरा दिन इसको काटने में ही लग चुका है। अभी भी शाम के 4 बज चुके हैं और सारे के सारे परिंदे दोस्तों अंदर ही, अभी हम इस ग्रीन नेट को लगा रहे हैं। जल्दी से दोस्तों इसको लगाते हैं और फिर दोस्तों आपको फाइनल लुक दिखाते हैं अपने मिनी जू। दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमने ऊपर से सारी नेट जोड़ दी हुई है और अब नीचे से रहती है, तो दोस्तों जल्दी से ना इसको भी जोड़ते हैं और फिर अपने पैड्स को खोलेंगे। तो दोस्तों एक हिसाब से ना हमारा सुबह सारा का सारा मिनी जू टूट चुका था, तो अभी दोस्तों हमने सारा का सारा मिनी जू अपना फिर से न्यू कर दिया है। तो अभी दोस्तों इसके ऊपर ना बांस लगने हैं सारे के सारे इधर ऐसे, तो वो दोस्तों हम कल परसों ले आएंगे और फिर हमारा जो है ना पक्का काम हो जाएगा बांस के साथ। इस तरह दोस्तों ये देखिए मजबूती नहीं है, वैसे ही ना गुजारे के लिए लगाया हुआ, और वैसे भी ना सारा का सारा दरख्त इन्होंने इस साइड पे रखा हुआ है, अभी फेंका नहीं है, लकड़ी का कुछ इस्तेमाल करेंगे या जो भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने इधर ही रखी हुई है क्योंकि वो जो है ना थक गए हैं काफी ज़रा सुबह के लगे हुए हैं, तो दोस्तों इसलिए वो रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। सबको दोस्तों लगाने में ना वापस अपनी कंडीशन में करने में तकरीबन हमें 5 घंटे लग चुके हैं, सुबह का हम लगे हुए हैं दोस्तों। और अब जाकर हमारा काम मुकम्मल हुआ, अभी भी दोस्तों सफाई होने वाली है सारे मिनी जू की। तो दोस्तों ये देख सकते हैं सारा का सारा गंद पड़ा हुआ है। आज हमने सोचा था कि दोस्तों हम रैबिट हाउस का काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों सुबह जब मैं उठा दोस्तों मैं अपने मिनी जू में आया, मैं एकदम से डर गया यार, ये क्या हो गया, सब टूट चुका इधर हमारा मिनी जू का हुआ क्या, सब तोड़ने लगे हैं। तो दोस्तों मैं डर चुका था, फिर दोस्तों मैंने सारा भाई के साथ काम करवाया और फिर दोस्तों हमने रैबिट हाउस का काम आज पेंडिंग पे छोड़ दिया। आज हमने मटकी लेने भी जानी थी, अब मटकी का काम हमने कल पे छोड़ दिया, तो इंशाल्लाह कल जाएंगे। तो जल्दी से दोस्तों अब हम बनाए अपने सारे मिनी जू की कर लेते हैं सफाई, ताकि हमारा मिनी जू पहले की तरह खूबसूरत हो जाए। मत पूछे दोस्तों कितनी ज़्यादा खुआड़ी हुई है सुबह की, ये दरख्त तोड़ने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है ना दोस्तों कि मत पूछिए आप। ये देखें, एक तो हमारा सारा का सारा मिनी जू क्लियर हो गया, अच्छा हो गया, पैड़ा हो गया, और ये जो सफाई करने में टाइम लगा ना, ये तकरीबन आधा घंटा लग गया दोस्तों। ये देखें, ये सारे पिंजरे साफ़ नहीं किए हमने फिलहाल, ये देखें पिजन केज को हमने जो है ना सारा का सारा साफ़ किया है, और ये देखें ये बाहर आ रहे हैं, लेकिन अभी इनको बाहर निकालना नहीं है। चलो भाई ये अंदर करते हैं। और ये देखे दोस्तों, उसके अलावा ना हमने चिली मिली का घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था, तो इसको भी हमने साफ़ किया अच्छे तरीके से, और इसको भी दोस्तों हमने सफाई की है। सारी मूली के पत्ते पड़े हुए थे और इनकी दोस्तों हमने कल ये भी सफाई की है आपके सामने, और इनकी हालत देख लें आप, इन्होंने क्या हाल कर दिया इसका। जल्दी से दोस्तों इनको अपनी जगह पे रखते हैं और फिर दोस्तों इनको बाहर छोड़ते हैं। ये देखिए आज फिर चीलें आ गई हैं, और जब दोस्तों हम ट्रैप करते हैं तो कोई चील नहीं आती, वैसे ही देखिए कितनी ज़्यादा चीलें आज फिर से आई हुई हैं। तो जल्दी से दोस्तों इस बड़े वाले पिंजरे को उठाते हैं इधर से और इसको दोस्तों अपनी जगह पर करते हैं। इसको दोस्तों अपनी जगह पर कर लिया, अब बारी है इस पिंजरे की, इसको भी उठाते हैं। ये निकल ही गया, ये निकल गया दोस्तों, इसको फिर वीडियो बंद कर उठाना पड़ेगा। सोचा तुमने आज बहुत कुछ था रैबिट हाउस उसके बारे में, लेकिन अफसोस के कर हम आज कुछ भी नहीं पाए इस दरख्त की वजह से। हमारा मिनी जू सुबह सारा का सारा टूट चुका था एक हिसाब से, अब जो है ना फिर दोबारा का दोबारा न्यू हो चुका है। और दोस्तों अब ना हम डायमंड को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि दोस्तों सुबह भी हमने डायमंड को नहीं छोड़ा था, तो अभी फिर से शाम हो चुकी है, डायमंड को जल्दी से छोड़ देते हैं। ये देखे सीधा बाहर किसने ना क्यारी में जाना है, और वहाँ जाकर ना इसने सारी की सारी क्यारी का बेड़ा गर्क कर देना दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों चिली मिली को हमने इधर बंद किया हुआ है, क्योंकि इनका केज हम वो साफ़ कर रहे थे, तो चिली मिली दोस्तों बाहर आ गए हैं। अब दोस्तों हमटी डमटी और छोटू गैंग की बारी है, तो इनको भी जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं।
यार तुम लोगों को अभी तक दरवाजे का नहीं पता लगा, इतनी देर हो गया तुम्हें मिनी जू में रहते हुए। और दोस्तों इधर से हम अपने सुल्तान को भी बाहर निकाल लेते हैं। चलो सुल्तान तुम भी आ जाओ बाहर। सारे के सारे पेट्स को दोस्तों हमने बाहर छोड़ दिया है। और दोस्तों अब जो है ना थोड़ा मिनी जू जो है ना प्यारा लग रहा है। ये देखे सारी सारी सफाई हो चुकी है, सारी सफाई हो गई है दोस्तों, इधर हर जगह से सफाई। और ये देखे सफाई के दुश्मन भी आ गए हैं इधर। भागो 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 जल्दी करो। और तो इनको दोस्तों हमने मिट्टी में नहीं खेलने देना। ये देखे मिट्टी में खेलती हैं और फिर ना सारा का सारा ना झाड़ती हैं अपने आप को, उधर जाकर सारी छत गंदी कर देती हैं ये। तो इनको जल्दी से उधर लेके जाते हैं, इन्होंने फिर क्यारी में घुस जाना है। चलो भाई चलो भाई चलो भाई उधर चलो भाई। देते हैं डाइट अभी सबको देते हैं, लेकिन पहले पिजन को दोस्तों दे दें डाइट, क्योंकि पिजन बेबी का इन्होंने फीड करवानी होती है पिजन बेबी को, तो इसलिए जल्दी से ना इनको भी हम डाइट दे देते हैं। और ये अंडा जो देख रहे हैं ना दोस्तों, मुर्गी का अंडा हम उठा लेते हैं आज, क्योंकि काफ़ी देर हो गया, ये ख़राब हो गया हुआ है। तो जब ये फिर से अंडे देंगे हम फिर से इनके नीचे रखेंगे दो अंडे, तो फिर इंशाल्लाह हम बच्चे निकलाएंगे। सुबह सुबह का ना मुझे इनके साथ बोल बोल के ना दोस्तों मेरे से बोला नहीं जा रहा, पता नहीं मेरे मुँह से क्या क्या निकल रहा है, तो इग्नोर करिएगा। सांस चढ़ गया दोस्तों मुझे, सुबह का सफाइयाँ कर रहा हूँ इनके साथ, तो इसलिए ना ज़रा हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। जल्दी से अंडा पकड़ते हैं और फिर उसको तोड़ते हैं और देखते हैं क्या अंडे में से बच्चा है था या नहीं, मेरा बच्चा बना भी था या नहीं। बच्चा तो बना है, लेकिन मुझे लगता है अंदर ही एक्सपायर हो गया बच्चा। ये देखें अंदर ही एक्सपायर हो गया, लाता हूँ तो बिल्कुल पानी सा है, तो इसको तोड़ के देखते हैं इसमें क्या निकला है। तो इस अंडे को दोस्तों अब तोड़ के चेक करते हैं कि इसमें बच्चा बना था या नहीं। इधर मेरे ख्याल से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बदबू फैल जाएगी। और ये देखे दोस्तों इन्होंने फिर से ना सारी मिट्टी लाड़ देनी है। पीछे भागो भागो जल्दी से भागो। ये देखे दोस्तों इधर ही हम ना इसको तोड़ते हैं और चेक करते हैं इसमें बच्चा था या नहीं। ये देखे दोस्तों ये अंडा ही ख़राब है, ओए सारे हाथ खराब हो गए दोस्तों। ये ख़राब अंडा था, बिल्कुल बदबू आ रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है इसमें से। मैं जल्दी से हाथ धो कर आता हूँ, इसने तो हालत ख़राब कर दी है, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है ना इसमें से यार। दोस्तों सबसे अच्छा काम ये हो चुका है कि जो पत्तों की टेंशन थी ना, पत्तों की वजह से सारे के सारे मिनी जू में जो गंद पड़ जाता था ना, अब दोस्तों वो गंद नहीं पड़ेगा। अब हमारा मिनी जू ऐसे साफ ही रहा करेगा, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो आप समझ लें कि अब जो है ना ऐसा हो चुका है कि हमने जो है सारा का सारा मिनी जू सुबह तोड़ा, फिर उसको दोबारा जोड़ा, तो उसको जोड़ने में पूरा का पूरा दिन ही जो है ना वेस्ट हो गया। तो मैं अपने परिंदों को दोस्तों टाइम नहीं दे सका। हाँ भाई ब्राउनी दोस्त का नाम, इसका नाम दोस्तों मैं सोच रहा हूँ ब्राउनी रख दूँ, इसका नाम जो है मैं चॉकलेट रख दूँ, और इसका नाम मैं कालिया रख दूँ। कैसे लगे दोस्तों ये तीनों नाम, ब्राउनी चॉकलेट और कालिया, कैसे लगे? अगर आप कहेंगे तो यही नाम हम ना इनके रख देंगे पक्के पक्के फाइनल वाले, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ कि ये नाम कैसे हैं छोटू गैंग। फिर हम जो है ना किसी और का नाम रख लेंगे और इनका नाम फिर ब्राउनी चॉकलेट और कालिया रख देंगे। तो आने वाली बाल्टी दोस्तों में ले आए हैं और सारे के सारे पैट्स देखे पीछे आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई इनको डाइट नहीं डाली सुबह की। हम जो है ना वो दरख्त के पीछे लगे हुए हैं। ये देखे डायमंड भी ऊपर चढ़ गया है। सुल्तान के साथ ना आज इसकी फाइट नहीं हुई, शुक्र है कि ये दोनों ना आपस में एडजस्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर तो दोस्तों ये आपस में एडजस्ट हो सकते हैं, तो फिर जो है ना हम डायमंड को नहीं देंगे, और अगर ये आपस में एडजस्ट नहीं होते तो फिर मजबूरन हमें जो है ना डायमंड को अपने मिनी जू से निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों डायमंड को मैंने डाइट इधर डाल दी है, और ये देखे सारे पैट्स को डाइट इधर डाल दी है, और पिजन्स को दोस्तों मैं अभी डाइट डालने वाला हूँ। तो जल्दी से दोस्तों इनका केज का दरवाज़ा खोलते हैं और पिजन को दोस्तों अंदर ही डाइट डाल देते हैं। तो दोस्तों मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियो अपलोड हो 6 बजे, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा कोशिश कर करके मैं तंग आ गया हूँ, लेकिन मेरी वीडियो 6 बजे अपलोड होने का नाम ही नहीं लेती। 5:30 अब बज चुके हैं, तो 6 बजे अपलोड कैसे होगी वीडियो यार, यही मुझे टेंशन है। ये देखे चील कहाँ पर आ गया दोस्तों, बिल्कुल पास से गुजरी है। दोस्तों मेरी कोशिश यही होती है, लेकिन क्या करूं, मेरी वीडियो एडिटिंग करते वक्त और अपलोडिंग करते वक्त जो फुल टाइम हो जाता है ना, वो 7:30 से 8 बजे का हो जाता है। तो यार आप कुछ दिन जो है ना एडजस्ट करो, हम जो है ना साढ़े का साढ़ा अपना काम मुकम्मल कर लें, रैबिट हाउस वगैरह। और सुबह सुबह जो है ना, सबसे पहले सुबह सुबह मैं आकर छत की सफाई करता हूँ सारी, और जो पत्ते वगैरह होते थे अब तो खैर होंगे नहीं, तो हो सकता है कि वीडियो जल्दी है ना स्टार्ट हो जाए। आलू को दोस्तों मैंने ना इनके साथ ही छोड़ दिया पिजन हाउस में, और ये मार खा कर दोस्तों बाहर आया। पिजन ने इनको मारा और जल्दी से ना बाहर आ गया। और मैं दोस्तों अपने छुटकों को भी देख लूँ, आज मैंने ना अपने छुटकों को देखा ही नहीं है। तो ये भी दोस्तों बाघ से ना मारना स्टार्ट हो गया। ये देखे माशाल्लाह अच्छे से ना इसकी बढ़ाई करवाई है इनके पेरेंट्स ने। ये भी मैंने सफाई की है इधर। ये देखे चुटकू इधर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। चुटकू चुटकू चले दोस्तों इसको ना अपने नेस्ट बॉक्स में रख देते हैं। डायमंड दोस्तों मुझे ना उदास उदास सा लग रहा है। हाँ भाई डायमंड क्या मसला तुम्हें, हाँ क्यों उदास हो?
पता नहीं दोस्तों ये क्यों उदास हुआ हुआ है, आज तो मौसम भी काफी अच्छा है दोस्तों। अब हम अगर ट्रैप लगाएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि दरख्त का जो सारा साया था ना वो खत्म हो चुका है, अब खुला आसमान है दोस्तों, सारे के सारे परिंदे हमारे मिनी जू में आया करेंगे, तो बहुत ज्यादा दोस्तों एक नेचुरल फीलिंग आएगी। तो वीडियो बनाने में ना काफी ज्यादा दोस्तों स्ट्रगल लगती है, मेहनत लगती है, सुबह से लेकर शाम हो जाती है दोस्तों, फिर जाकर मेहनत के बाद दोस्तों वीडियो एडिटिंग कर अपलोड करते हैं हम लोग। और दोस्तों अगर फिर भी आप लोग लाइक ना करो तो दोस्तों आप समझ लेंगे एक डीमोटिवेट हो जाता है बंदा, तो यार लाइक प्लीज़ किया करो, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करो यार, अगर नहीं भी अच्छी लगती यार तो दिल रखने के लिए लाइक कर दिया करो यार। लाइक जब हम देखते हैं ना किसी ने लाइक किया तो दोस्तों एनर्जी 100% ऊपर चल जाती है, तो इसलिए यार लाइक लाजमी किया करो आप वीडियो को, तो इससे जो है ना मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लाया करूंगा। दोस्तों शाम हो चुकी है इस वक्त और आप देख सकते हैं कि अंधेरा पड़ना स्टार्ट हो चुका है, तो हम ऐसा करते हैं जल्दी से अपने सारे पैड्स को दोस्तों बंद करते हैं और फिर दोस्तों हमने इनको अंदर ही डाइट वगैरह दे देते हैं, पानी वगैरह चेक करवा लेते हैं। ये देखे सुल्तान ना फिर से दोस्तों डायमंड को मार है, तो मैं जल्दी से दोस्तों इनको बंद करता हूँ सबको, 3 2 1 दोस्तों सबको बंद कर दिया हुआ है हमने, और अब जल्दी से दोस्तों इनको डाइट वगैरह डाल देते हैं और जल्दी से इनको दोस्तों पानी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि रात को हम पानी निकाल लेते हैं क्योंकि सर्दी वगैरह हो जाती है। दोस्तों पिजन को भी हमने डाइट वगैरह डाल दी हुई है, तो जल्दी से दोस्तों इनके अब की बिना पर्दा वगैरह डाल देते हैं और दोस्तों चिली मिली और इन सबको दोस्तों डाइट वगैरह डालते हैं और फिर दोस्तों इनको भी ऊपर पर्दा डालकर कवर कर देते हैं अच्छे से, ताकि इनको सर्दी वगैरह ना लग सके। तो मैंने ना सब परिंदों को डाइट वगैरह डाल के उनके ऊपर कपड़ा वगैरह डाल दिया हुआ है, ये देखे पिजन के ऊपर मैंने कपड़ा वगैरह डाल दिया, और ये देखे हमारे सारे पानी बर्तन ये हम शाम के टाइम निकाल देते हैं दोस्तों, क्योंकि शाम के टाइम अगर ये ठंडा पानी पियेंगे ना तो इनकी तबीयत वगैरह खराब हो जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल लीड बर्ड फैमिली को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे कल न्यू वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।